हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की यूटेरिया में। बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं इसको लेकर के। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने भारत परिचय का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने बताया था कि इसमें हम लोग खास करके भारत के इंटरनल पोर्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट्स, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमने पढ़ा था पाकिस्तान देश है, इसके इस तरफ अफगानिस्तान है, यहाँ पर हमने पढ़ा था चीन, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार से हमने विभिन्न पड़ोसी देशों को देखा था। आइए अंदर की कुछ जानकारियां लेते हैं। भारत का यह सबसे उत्तरी सिरा है, इस उत्तरी पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कौल, याद रखिएगा इंदिरा कौल। और किस राज्य में है तो जेके, जम्मू कश्मीर में। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह पड़ता है अंडमान निकोबार में, और उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मीलियन पॉइंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोनों ही पॉइंट अच्छे रहेंगे। पिग्मीलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है सर क्रीक, यह गुजरात राज्य में है और पंजाब के साथ सीमा का निर्माण करता है। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है वलांगू, और यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये हमने देखा भारत के चारों तरफ की चौड़ाई। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो जब मुख्य भूमि की बात होगी तो ये पोर्शन हमारा दक्षिणी हिस्सा है, और इसको हम कहते हैं कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। भारत के इस उत्तरी बिंदु से लेकर के इस दक्षिणी बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा जिसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, और भारत के इस पश्चिमी बिंदु से लेकर के पूर्वी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसका लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो इस प्रकार से यह पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गई और ये उत्तर से दक्षिण की गई। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा ये कि कोई भी मैप बनेगा तो उसका ये हमेशा ऊपर वाला सिरा नॉर्थ ही होगा। चलिए आगे आते हैं। तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई, आपको हम ग्लोब का चैप्टर आपने हमारा पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ये कर्क रेखा है, वह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसका मान 23.5 डिग्री है और इसे कर्क रेखा कहते हैं। क्वेश्चन आता है कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, यह विभाजन के दौरान कुल भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको लेकर के बहुत सारे आपने ट्रिक्स रटे होंगे कि जिसके माध्यम से इसको याद रखा जा सके। मैं आज सिखाऊंगा कि बिना ट्रिक्स के कैसे याद रखते हैं। इसमें क्या है कि हम विभिन्न राज्यों को लेंगे तो दो दो राज्य के ग्रुप बनाने हैं, जैसे पहले गुजरात, उसके बाद लेंगे राज्य राजस्थान, तो गुजरात राजस्थान का एक ग्रुप बनाना है, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनका ग्रुप बनाना है, फिर आएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये दो के ग्रुप, और फिर यहां आ जाइए मिजोरम और त्रिपुरा का ग्रुप। तो इस प्रकार से ये चार ग्रुप 8 राज्यों को इंडिकेट कर रहे हैं, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल मिजोरम और त्रिपुरा। क्या होता है अगर आप बहुत सारे एग्जाम दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, तो वैसे में आपको क्या आंसर देना है, यही इसमें से जो नहीं होगा उसको आंसर देना है। खास करके उसमें आपको ये बिहार नाम देगा, इसका कारण ये है कि वह पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से सटा है और वही उसी के नहीं होने की संभावना सबसे अधिक रहती है, इसीलिए वो ऑप्शन में सबसे ज्यादा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये याद रख लेना है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि वह कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची इसी कर्क रेखा पर स्थित है। तो एक कर्क रेखा से जुड़ा हुआ एक इंटरनल पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखिएगा।
चलिए आते हैं भारत से रिलेटेड दूसरे पॉइंट। ये जो एक रेखा आपने देखी इसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमने आप पिछले वीडियो में बताया था कि देशांतर के माध्यम से किसी भी देश के समय का मान निकाला जाता है। भारत की जो चौहत्ती है वह शुरू होती है नीचे, अगर हम लें तो यह शुरू होती है नीचे का पोर्शन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ऊपर जाकर के खत्म होता है यानी यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट पर, ये भी नॉर्थ में, और यहां से शुरू होता है यानी ये पोर्शन 68 डिग्री 7 मिनट और ये जाके खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भारत की चौहत्ती या वह जगह है जहां ग्लोब पे भारत स्थित है। आइए इस चीज को और बेहतर ढंग से समझते हैं। तो क्या होता है, समय निकालने के लिए या तो हम यहाँ का देशांतर जिसका मान 68 डिग्री 7 मिनट है उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट का यूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा करने से क्या होगा कि लगभग इन दो देशांतर के बीच 30 डिग्री का अंतर आता है और 30 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। तो यानी इस जगह से यानी गुजरात के अंतिम छोर से इस अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर के बीच में लगभग 2 घंटे का समय अंतर आएगा जो कि काफी समस्या क्रिएट कर सकती है। ऐसे में क्या किया गया कि इस 68 को लिया गया और 97 को लिया और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया गया और क्या निकला, 82.5 डिग्री। इस प्रकार से ये 82.5 डिग्री जो है वह भारत का समय रेखा बनाएगा। यह 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर काटती है। इस क्रम में वह यूपी से होकर के जब गुजरती है तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत का समय रेखा किस शहर से होकर के गुजरता है। तो यूपी में गुजरने के दौरान वह इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, लेकिन कई बार इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं देता है। जब बड़े शहर नहीं देंगे तो क्या करेंगे, एक ऑप्शन रहेगा नैनी और दूसरा ऑप्शन रहेगा मिर्जापुर। तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाए, अगर तीनों दिए जाते हैं तो आप मिर्जापुर मानिएगा या फिर इलाहाबाद ही सबसे ज्यादा सही है। तो इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर, ये तीन ऐसे जगह हैं जहां से यह समय रेखा गुजरती है। भारत का यह जो मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है और यह टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे हमने कर्क रेखा के विषय में पढ़ा कि 8 राज्यों से, इसको याद रखना उससे भी आसान है। इसमें क्या करना है, यूपी, एमपी, एपी यानी यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो यूपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तीन तो प्रदेश वाले हो गए, बच गए दो, तो वो कौन रहेंगे, एक उड़ीसा ले लेंगे और एक छत्तीसगढ़ ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये 5 ऐसे राज्य हैं जिससे होकर के भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। तो ये मानक समय रेखा से जुड़े हुए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ टिकल किए, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो वीडियो रिवाइंड करके आप फिर से इसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं या फिर इसको समझ सकते हैं। आइए इससे कुछ आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और चीजों को जानते हैं। अब आपको पता है कि वर्तमान में भारत में टोटल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से ये जो हिस्सा है दक्षिणी भारत जिसको हमने पिछले वीडियो में बनाया था प्रायद्वीपीय भारत, तो इस हिस्से में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, उनके विषय में जानते हैं। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा से जुड़े हैं, आइए उनको देखते हैं। ये गुजरात पहला, दूसरा आएगा महाराष्ट्र, तीसरा ये छोटा स्टेट आपको दिख रहा होगा गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य भी है, कर्नाटक और केरल। तो इस प्रकार से पश्चिमी तट के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल 5 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। उसी ओर तरफ दूसरी ओर पूर्वी तट पे आते हैं तो ऊपर से शुरू करते हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ओडिशा के बाद आपको आ जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस प्रकार से 4 स्टेट पूर्वी तट पे और 5 स्टेट पश्चिमी तट पे, कुल मिलाकर 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से जुड़ी हुई है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे। क्या
किस समुद्र तट की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये आंसर होता है गुजरात। ये गुजरात का बनावट इस प्रकार से है कि इसकी समुद्र तट की लंबाई सबसे अधिक है। तो सबसे लंबी समुद्र तट वाली जो राज्य है वो गुजरात है, दूसरी सबसे लंबी समुद्र तट वाली राज्य आंध्र प्रदेश है। कई बार इसको दूसरे ढंग से पूछ देता है कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश हो जाए। और अगर सबसे छोटा पूछा तो पता है हमको कि गोवा मात्र 101 किलोमीटर इसकी तट रेखा की लंबाई है, तो ये गोवा सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य। तो ये हमने देखा कि कैसे तट रेखा से जुड़े हुए राज्य हैं, कर्क रेखा से जुड़े, भारत के मानक समय से जुड़े, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहे पॉइंट। आइए इससे अलावा एक दो चीजें और देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विषुवत रेखा से ऊपर भारत यहाँ स्थित है, तो यह जो विषुवत रेखा और इस भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का मान है, इनके बीच की दूरी 876 किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु कितना दूर है, तो 876 किलोमीटर दूर। और आप पिछले वीडियो में ये भी समझ चुके होंगे कि इस विषुवत रेखा 0 उसके बाद 1-2 करते करते हम लोग 90 डिग्री तक जाते हैं ऊपर, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। उनसे जुड़े हुए दो तीन पॉइंट आपको समझाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। 0 डिग्री जो रेखा है उससे ऊपर यहाँ पर एक डिग्री रेखा गुजरती है जिसका मान है 8 डिग्री, और उससे ऊपर गुजरती है 9 डिग्री। यह जो देश देख रहे हैं आप इसका नाम है मालदीव, यह जो आप हमारा टापू देख रहे हैं उसका नाम है मिनी कोय, और ये जो हमारा द्वीप समूह है इसका नाम है लक्षद्वीप। तो एक क्वेश्चन आता है 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो मालदीव और मिनी कोय के जो बीच ये जो सीमा रेखा है उसको हम लोग 8 डिग्री बोलते हैं। फिर उससे ऊपर आएंगे तो मिलेगा 9 डिग्री। यह 9 डिग्री सीमा रेखा मिनी कोय एवं लक्षद्वीप के बीच है, आप नोट कर लीजिएगा। मालदीव एवं मिनी कोय के बीच जो है 8 डिग्री, मिनी कोय एवं लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री। अब यहां आइएगा, यहां पे गुजरती है 10 डिग्री। ये 10 डिग्री ऊपर में छोटा अंडमान, नीचे में कार निकोबा। ये छोटा अंडमान यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार के बीच में जो डिग्री चैनल है वो 10 है। इसके अलावा यहाँ पर एक द्वीप समूह है भारत के क्या कह सकते हैं दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, जिसको हम लोग इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, पहले सुमात्रा भी कहा जाता था। तो ये सुमात्रा और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक हमारा सीमा रेखा, जलीय सीमा रेखा बनता है, उसको कहते हैं ग्रैंड चैनल। तो ये चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रैंड चैनल। तो ये विशेष रूप से हमने इस आज के वीडियो में काफी कुछ देखा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसको 2-3 बार देख के रिविजन कीजिएगा, और अगर इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।